कृष्णा लव कॉलेज में आपका स्वागत है। हम एलएलबी और बीएलएलबी का जो हमारा एक सब्जेक्ट है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब हमारा जो सेक्शन है, सेक्शन है 18 कहता है पूर्ण रक्त संबंध जो है अर्थ संबंध पर अधिमान होंगे, यानी कि जब प्रॉपर्टी मिलेगी कोई व्यक्ति बिना किसी विल के उसकी डेथ हो गई तो उसकी प्रॉपर्टी जब मिलेगी तो उसमें जो पूर्ण रक्त संबंध जो होंगे, पूर्ण रक्त संबंध के बारे में मैंने आपको अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, पहले जो वीडियो है उसमें बता चुकी हूँ कि पूर्ण रक्त संबंध क्या होंगे और अर्ध रक्त संबंध क्या होंगे। तो जो पूर्ण जैसे जब वो मिलेगी तो पहले पूर्ण रक्त संबंध के जो उसके एयर्स होंगे, जो उसके वारिस होंगे, जो उसके बच्चे होंगे उनको दी जाएगी, फिर उसके बाद अर्ध रक्त संबंध को दी जाएगी, उसमें वे अधिमान प्राप्त होंगे, यानी कि उनको ज्यादा पावर, यानी कि एक तरीके से कहेंगे कि पहले उनको मिलेगी उसके बाद उनको दी जाएगी। और सेक्शन क्या कहता है, सेक्शन कहता है निम्नलिखित में पूर्ण रक्त संबंध रखने वाले वारिसों को अर्ध रक्त संबंध रखने वाले वारिसों का अधिमान प्राप्त होगा, उस पर संबंध की प्रकृति के प्रकार से वही होगा। इसका ये मतलब होगा कि पहले जो मिलेगी यानी कि सबसे पहले उनको दिया जाएगा, फिर उसके बाद सेकेंड इसमें है दो या अधिक वारिसों के उत्तराधिकार, अगर जो दो किसी व्यक्ति बिना लिखे जिसकी डेथ होगी उसके जो वारिस है वो दो या दो से अधिक है तो उनको जो प्रॉपर्टी दी जाएगी वो प्रॉपर्टी किस आधार पर दी जाएगी, तो सेक्शन 19 हमें यही बताता है। ये कहता है दो या दो से अधिक निवसती है की संपत्ति के साथ उत्तराधिकार होते हैं वे संपत्ति निम्न प्रकार से पाएंगे, इस तरीके से पाएंगे, इस अधिनियम के अभिव्यक्ति तौर पर अन्यथा उपबंधित के सिवाय व्यक्ति वार नाती शाखा वार आधार पर मिलेगी, उनको जो मिलेगी वो व्यक्ति वार के आधार पर मिलेगी ना कि शाखा वार पर। और सेकंड क्या कहता है सामूहिक अभिधारकों के हैसियत से ना कि संयुक्त अभिधारकों के, यानी कि सबको अलग अलग मिलेगी, यानी कि संयुक्त उसके आधार पर उनको जो प्रॉपर्टी मिलेगी उस आधार पर नहीं। अब हमारा जो कहता है वो कहता है गर्भस्थ जो शिशु है उसको प्रॉपर्टी किस तरीके से दी जाएगी। मैंने आपको शुरू में बताई थी विभाजन में, जब मैंने बताया था आपको कि अगर विभाजन हो रहा है तो विभाजन के तौर पर अगर जो कोई बच्चा गर्भ में है तो उसका कितना हक बनता है उस प्रॉपर्टी पर, तो 20 में हमें यही बताता है। 20 में हमें जो कहता है शिक्षक कहता है जो अधपते बिना बिजली गई है उस समय गर्भ में स्थित है और तत्पश्चात जीवित शिशु पैदा होता है, इसमें क्या लगेगा अगर जीवित होता है तभी यह है, अगर कोई बच्चा जीवित पैदा नहीं होता तो उसकी तरफ से कोई और ये नहीं कह सकता, इसकी भी प्रॉपर्टी दी जाए वो तो बिना विल के वसीयत के विषय में वही अधिकार होंगे जो उनके होते, यह निवर्त वसीयत की मृत्यु के पूर्व पैदा होता और ऐसे दशा में विरासत नी विरासत की मृत्यु के कार्य से उसमें निधि होती, यानी कि बच्चा जो होगा उसको संपत्ति में वही हकदार उसी तरीके से हकदार होगा जब वो उस बच्चे की जन्म हो जाएगा उसका जन्म से उसी तरीके से अधिकार होगा कि जैसे कि वो एक व्यक्ति के रूप में है और उसको अपनी उसके जो फादर की जो प्रॉपर्टी होगी उसमें उसका पूरा अधिकार होगा। इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं, एक ए नामक एक व्यक्ति है उसकी बी नामक जो लेडी है उससे शादी हुई है और उनसे एक का जो इसकी डेथ हो गई तब इसके गर्भ में एक सी नाम का जो एक बच्चा था वो था, उसके बाद वो जीवित पैदा हुआ तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी में पूरा पूरा ये बिना वसीयत किसी डेथ हुई तो इसका भी प्रॉपर्टी में सेम पूरा पूरा हक होगा, और इस तरीके से कि जैसे कि वो एक व्यक्ति का होता है उसी तरीके से इसका भी अपने फादर की प्रॉपर्टी में हक होगा अधिकार होगा। और 21 जो है हमारा बहुत ही इंपोर्टेंट है सेक्शन, वो कहता है समसामयिका मृत्यु के विषय में उद्धार। पहले सेक्शन पढ़ते हैं इसमें, जहां की दो व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में मरे जिनमें यह निश्चित हो कि यह अनिश्चित हो कि कोई दूसरे की उत्तर जीवी है या नहीं या कौन सा वहां तक प्रतिकूल साबित किया
बड़ा ये है, फिर ये और फिर ये फोर। सपोज दैट इन चारों की डेथ एक साथ हो गई, तो तब इसमें है कि जब अगर जो उन लोगों की डेथ एक साथ हो गई है तो वो प्रॉपर्टी को किस तरीके से दी जाएगी, किस तरीके से मानी जाएगी कि वो, तो वो ऐसे मानी जाएगी कि इनकी डेथ भी को किस तरीके से हम काउंट करेंगे, तो ये माना जाएगा कि एक ही डेथ पहले हो गई, फिर उसके बाद बी की हुई, फिर सी की हुई और फिर डी की। इसी तरीके से प्रॉपर्टी भी जो जाएगी उनके हेयर्स को इसी आधार पर भी जाएगी, कोई अलग आधार पर नहीं जाएगी इसमें। इसी तरीके से जैसे एक इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे कि दादा की और पोते की, इन दोनों की डेथ एक साथ हो गई, तो इसमें यह माना जाएगा कि जैसे इन दोनों की एक साथ वाली हो गई तो ये प्रॉपर्टी का जैसे भेद ग्रो करनी है, तो फिर ये पूछेंगे कि किसकी डेथ किस पहले हुई, तो ये मानेंगे कि दादा की डेथ पहले हुई और पोते की उसके बाद, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफर होगी फिर इसके हेयर्स से वो आएगी। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कम ही आते हैं, आज के लिए इतना ही। आपको माइंड के लिए आपको